CNI न्यूज़, मैं काशिफ अली। लोकसभा चुनाव 2019, समाजवादी पार्टी ने हाथरस में अपने उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाथरस लोकसभा सीट जहां हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ माने जाने की वजह भी है क्योंकि वहां 84% वहां हिंदू रहते हैं और करीब 13.54% मुस्लिम आबादी है। तो जाहिर सी बात है, प्राचीन शहर के नाम में जाना जाता है और साथ ही साथ भगवानों का वहाँ काफ़ी मंदिर हैं। काफ़ी कहा जाता है कि हाथरस जो है वो एक अलग तरीके का शहर। फिलहाल राजेश दिवाकर वहाँ से बीजेपी सांसद हैं और 2014 में बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार को उन्होंने हराया था। राजेश दिवाकर जो हैं वो एक साफ छवि, साफ सुथरी छवि के नेता हैं, माने जाते हैं और एक बेहतर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उनका हाथरस के लिए उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं, उसका हम आकलन बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको 2014 में थोड़ा लेके चलता हूँ। राजेश दिवाकर जीते थे, बीजेपी से सांसद हैं। मनोज कुमार BSP दूसरे नंबर पर रहे थे। समाजवादी पार्टी, इस वाले बात पर गौर करिएगा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2014 में तीसरे नंबर पर रहा था, RLD चौथे नंबर पे और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पांचवें नंबर पर रहे थे। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यह है क्योंकि हम आंकड़ा आपको एक बताने जा रहे हैं। 2014 में BJP और BSP के बीच मात्र 31.11% वोटों का अंतर रहा था, जीत और हार का 31.11%। इस आंकड़े को याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, हाथरस जो है वो हींग, घी और होली के रंग के लिए काफ़ी मशहूर है। वहाँ की ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं। 5 विधानसभाएं इसके अंदर आती हैं, छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राव। अलीगढ़ डिवीज़न में ये हाथरस आता है। इगलास और जो है ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अब हम बात करते हैं रामजी लाल सुमन की, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सादाबाद के गांव बहरदोई से इनकी पूरी शिक्षा हुई है और वहीं के वो रहने वाले हैं। हाथरस में पूरी इनकी शिक्षा हुई, आगरा कॉलेज से इनकी पढ़ाई हुई है। 1977 से लेके करीब फिरोजाबाद में ये जनता पार्टी के से सांसद चुने गए थे पहली बार। 26 साल की उम्र में 1977 में सांसद चुने गए थे और करीब सपा में 1999 में सांसद चुने गए। 2004 में ये सांसद रामजी लाल सुमन चुने गए। तो ये हाथरस सीट है। अब हाथरस असल में, अब आप सोच रहे होंगे कि हाथरस सीट, लोकसभा की सीट जो है वो क्यों ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूरी है। असल में हाथरस में 84% आबादी हिंदुओं की, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि हाथरस में अगर आपका कैंडिडेट मजबूत उतरता है, अगर हाथरस में आप जीत हासिल कर लेते हैं, तो उसका एक संदेश पूरे प्रदेश में जाता है कि जो वहाँ हाथरस के जो हिंदू हैं अगर वो आपके साथ हैं, तो इसका मतलब पूरे प्रदेश का जो वोटर है वो आपको चाह रहा है कि आप सत्ता में आएं। और समाजवादी पार्टी 2019 लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ रही है, लेकिन वो यूपी विधानसभा 2021 में जो चुनाव होंगे उस पर भी पैनी निगाह रखे हुए है और वो इस तरीके के उम्मीदवार उतार रही है कि जब लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो उनके लिए सांसद जो हो वो संजीवनी की बूटी की तरह काम करे। तो समाजवादी पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। हालांकि थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि जब 2014 में जब 31% वोटों का अंतर रहा था और BSP दूसरे नंबर पर रही थी, तो इस बार सपा बसपा का गठबंधन है, तो बसपा ने हाथरस से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब सवाल नंबर एक ये भी आता है कि क्या रामजी लाल सुमन इतने कद्दावर नेता हैं कि वो हाथरस में अपनी जीत पकड़ बना पाएंगे या जीत हासिल कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो मनोज कुमार थे BSP के, उनको दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया गया बहुजन समाज पार्टी से, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ है, 37-38 सीटों पर मुकाबला होगा, 37 सीटें बसपा सपा के पास और 38 बसपा के पास पहुंची हैं,
तो हाथरस ऐसे अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बसपा के पास जानी चाहिए थी, लेकिन बसपा के पास नहीं गई। अब अगर हम बात करें आसपास की जो इसकी 5 विधानसभाएं हैं, इगलास है, सिकंदरा राव है, छर्रा है, सादाबाद है, और ये पूरी जो 5 विधानसभाएं हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है जनता का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रामजी लाल सुमन हाथरस के रहने वाले हैं और एक केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उनकी एक अलग छवि रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के बहाने क्या हाथरस में जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से वहाँ पर दांव खेलना चाह रही है। अगर हम अभी तक देखें तो वो बीजेपी से सीधा सीधा उसका मुकाबला होने जा रहा है। मायावती थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रही हैं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कल ऐलान किया कि वो कांग्रेस के साथ पूरे देश में कहीं भी उसमें नहीं है, गठबंधन में नहीं है। अब लगातार ये भी बात कही जा रही है कि मायावती इस बात से डर रही हैं कि कहीं उनका CBI रेड से डर रही हैं और ED के रेड से डर रही हैं। तो इस वजह से पूरा जो है वो ये निकल कर आ रहा है समीकरण कि मायावती पूरी तरह से अभी डरी हुई हैं और शायद वो थोड़ा हल्का खेल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, ट्विटर पर लगातार जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो लग रहा है कि अखिलेश यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी ये चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ा बहुत दांव उन्होंने प्रियंका गांधी के जरिए ज़रूर खेला है, लेकिन लोकसभा के 80 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं, अगर 2 सीटों को छोड़ दें अमेठी और रायबरेली को। लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जो हैं नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार वो रोजगार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, नोटबंदी को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में हमने देखा था कि अखिलेश यादव लगातार नोटबंदी पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उससे एक साल पहले ही नोटबंदी हुई थी, तो शायद अखिलेश यादव को लग रहा था कि नोटबंदी का जो मुद्दा भुनाकर विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल का साथ लिया था, हार हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। अब 2017 के बाद अगर 2019 में पहुँचते हैं तो 2019 तक पहुँचते आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं। बदल इस तरह गए हैं क्योंकि कुछ मोदी सरकार की, और अगर उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत की बात करें तो लोग थोड़े से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हैं और थोड़ा गुस्सा भी हैं, क्योंकि कुछ जो काम, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, मायावती ने नोएडा से लेके आगरा तक एक्सप्रेसवे बनवाया, आगरा से आगे अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनवाया, और कहते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप बांटे, तो ये सारी बता रहे हैं अखिलेश यादव अपनी खूबियाँ। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को बताने को लेकर कुछ नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अभी एक कॉन्क्लेव में कहा था कि वो 74+ सीट इस बार उत्तर प्रदेश देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। जिम्मेदारी बड़ी है योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि अभी पिछले दिनों वो बाई पोल्स में कैराना भी हार गए, गोरखपुर भी हार गए और फूलपुर भी हार गए। तो योगी आदित्यनाथ पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि BRD मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मारे गए थे उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े होते रहे। और बाकी अभी हमने देखा कि बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को भीड़ मार देती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल खड़े होते रहे। कासगंज को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हाथरस की हम बात कर रहे हैं तो हाथरस के आसपास का इलाका कासगंज आता है। कासगंज का हमें मालूम है दंगा हुआ था वहाँ पिछले साल 26 जनवरी को वहाँ पर दंगा होने के बाद पूरी तरह से जो है वो दंगाइयों ने अपनी चपेट में ले लिया था पूरे कासगंज को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे योगी आदित्यनाथ लगातार सवालों की गटकरे में। हालांकि अखिलेश यादव को पर भी निशाना साधते रहते हैं, 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उसको लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होते रहते हैं। तो बहरहाल ये अलग अलग प्रदेश की राजनीति चल रही है, अलग अलग तरीके की राजनीति चल रही है। अब देखना ये होगा कि हाथरस की सीट किसके खाते में जाती है। खाते में तो समाजवादी पार्टी के पहुंची है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि क्या रामजी लाल सुमन वहाँ पर कुछ कर पाएंगे, क्या वहाँ पर अपना झंडा बुलंद कर पाएंगे, क्या साइकिल दौड़ पाएगी,
क्या साइकिल कमल को पीछे छोड़ देगी? आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको हर एक उत्तर प्रदेश की और देश के हर एक लोकसभा सीट के ऐसे ही आकलन करके बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।